राजस्थान में भजनलाल सरकार की कैबिनेट का हुआ विस्तार तो अशोक गहलोत का आ गया बड़ा बयान। अशोक गहलोत ने राम मंदिर पर बोला ऐसा, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक मच गया हल्ला। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उनका ये बयान पूरे भारत में हो गया वायरल। राजस्थान में भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल पर विस्तार हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई। राजस्थान में बीजेपी के मंत्रियों की शपथ लेने के बाद अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भी बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं। इसी बीच सियासत भी जारी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भगवान राम को राजनीति से जोड़ने का आरोप लगाया। अशोक गहलोत ने कहा, राम मंदिर चुनाव जीतने का जुमला है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू हो रहा है, हम सब राम के भक्त हैं, सारा देश राम का भक्त है, लेकिन इन्होंने राम के नाम को भी राजनीति से जोड़ दिया। राम का इस्तेमाल वोट लेने के लिए किया जा रहा है और वो इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देश को देश की दिशा में जा रहा है, किधर जाएगा किसी को नहीं मालूम है। तो मीडिया के जो मालिक लोग हैं, संपादक है, उनको अपने अंतरा में पूछना चाहिए कि देश की दिशा में जा रहा है, जब चला जाएगा तो रोएंगे ये सब लोग। समझ जाना चाहिए कि बहुत खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर। राम मंदिर का मुद्दा, उस पर कांग्रेस, ये तो चुनाव जीतने के जुमले हो गए। हम तो सब राम के भगत हैं, हिंदुस्तान पूरा राम के भगत है। इन्होंने क्या किया, उसको भी राम के नाम को भी इन्होंने राजनीति से जोड़ दिया चुनाव में वोट लेने के लिए। उसमें कामयाबी हो रहे हैं, जो आम जनता देखती है बगैर राम का नाम ले रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, जबकि सबके लिए लागू होती है। कोई देश के लोग है के खिलाफ है कि सनातन के कोई खिलाफ है क्या, राम मंदिर के खिलाफ है क्या? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, लागू हो रहा है। पर ये मार्केटिंग करके हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं ये लोग, मीडिया के माध्यम से राम मंदिर को भुना रहे हैं ये लोग। भगवान राम इनको माफ नहीं करेगा। तो ये जो न्याय यात्रा है वो उसके काउंटर है क्या? नहीं, न्याय यात्रा तो नागपुर चुना है। आरएसएस का ये जो हेडक्वार्टर है, अंबेडकर का यहाँ पर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, तो कांग्रेस ने इस स्थान को चुना है कि मैसेज आएगा देश के अंदर, और मैसेज लेके हम आगे बढ़ेंगे पूरे देश के अंदर। 138 साल का शानदार इतिहास हमारे साथ में है, हमारी नीतियाँ, हमारे कार्यक्रम, हमारे सिद्धांत इस देश को मजबूती देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। ये हमारा थीम है, वो हम आगे बढ़ा। पर ये मार्केटिंग करके हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं ये लोग, मीडिया के माध्यम से राम मंदिर को भुना रहे हैं लोग। भगवान राम इनको माफ नहीं करेगा। तो ये जो न्याय यात्रा है वो उसके काउंटर है क्या? नहीं, न्याय यात्रा तो नागपुर चुना है। तो आप भी अशोक गहलोत के इस बयान पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए खबर पुस्तक के साथ।